बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत थोड़ी डिफरेंट है और रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, लेकिन आज मैंने बहुत आसानी से जो होने वाली रेसिपी समोसा पट्टी से बना रही हूँ। वैसे तो मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन ज़रा उसमें क्योंकि टाइम की हमें पढ़ना पढ़ाना होता है, आजकल रमज़ान है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, अल्लाह ताला आपके रोज़े को कबूल करे, हमारे भी रोज़ों को कबूल करे, आमीन। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो समोसे बना रही हूँ, और इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसके अंदर जो है वो मैंने आलू बॉईल किए हैं, और आलू बॉईल करने के बाद इसमें जो है वो आप ये देखिए, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली है इसमें, हरा धनिया, हरी मिर्च, और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा चिकन जो है बॉईल किया है, और चिकन में थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, और इसके अलावा जो है हरा धनिया डाला है। ये सारी चीज़ डाल के, नमक डाल के बस, और ये अंदाजे से हाफ हाफ जो है टेबल स्पून डाला है मैंने। ये मिर्च कोई नहीं डाली है, कोई लाल मिर्च, कोई किसी किस्म की मिर्च नहीं डाली, हल्के फुल्के से होने चाहिए। रोज़े रमज़ान है, ज़ाहिर है आपको पता है रोज़े में हल्की चीज़ें खानी चाहिए, समोसा बेशक खाएं लेकिन इसके अंदर स्पाइसी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तो बच्चे भी ताकि आराम से खा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ये पट्टियाँ जो है ये मेरे पास अभी मौजूद हैं, इससे बनाऊँगी। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैंने मैदा जो है वो बना के रखा है, वो दूसरे डिफरेंट समोसे बनाऊंगी। और ये जो है ये लई है, आटे को मैंने घोला है, उसको थोड़ा सा पकाया है, और ये चीज़ें मैंने की है। आप लोग जो है मेरा जो चैनल है वो मुनव्वर सुल्ताना किचन एंड व्लॉग है, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोग शेयर कीजिएगा। ये ऑयल मैंने रखा है, इसमें अभी मैं तलूंगी इसको, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी पट्टियाँ बनाना आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं ये पट्टियाँ बना रही हूँ, तो आप देखिएगा। और दूसरी ये कि ज़रूर आप फीडबैक दिएगा बना के, बहुत आसानी से बन रहे हैं, सिर्फ आलू बॉयल करने हैं और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, और बस और कुछ भी नहीं, और काली मिर्च डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है। ये आप देखिए तैयार है, कितना अच्छा इसका बैटर लग रहा है, और ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये मैंने जो इसका बैटर बनाया है, और आप पट्टियाँ जो हैं बहुत आसान है, ज़रा सी देर में बन जाएंगी। तो ये बजाय इसके कि आप बाज़ार से लें और पता नहीं कैसा ऑयल हो, तो इसलिए हम खुद करते हैं अपने इसके। तो अब आप ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने बताया था कि ये मैंने लई बनाई है, और ये आटे को ज़रा सा घोल के और उसको पकाया है, और इसके अलावा ये जो बैटर बनाया था इसमें मैं सिर्फ आलू बॉईल करके डाले, थोड़ी सी चिकन डाली है बॉईल करके, काली मिर्च डाली है, और हरा धनिया, हरी मिर्च बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और ये पट्टियाँ बहुत आसानी से बन जाएंगी, काफ़ी दिनों के लिए चलेंगी। ये इस तरह से बना रही हूँ मैं, आप ये देखिए, पहले इसको ऐसे ही मोड़ा, बहुत सारे लोग सबको आता है बनाने, लेकिन फिर भी दोबारा आप देख लेगा, फिर इस तरह से एक और मोड़ा, और फिर उसके बाद ऐसे कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यूँ करने के बाद जो हमारा ये होल ऐसा बचता है, तो इसको हम चमचे से लेके और ये डालेंगे। ये देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे इसको, और ये मैंने आलू जो है ना मोटे रखे, मुझे जो है ना पसंद नहीं आते जो बिल्कुल बारीक बारीक होते, बाज़ारों में सी तरह के समोसे आते हैं जो मोटे आलू होते हैं, तो मैंने वो डाले। ये थोड़े से मैं ये और इसको समोसे को भर देती हूँ। अच्छा, अब देखिए, ये मैंने इस तरह से किया था ना, ये रोल किया था। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये हाथ के ज़रिए, हाथ से करूँगी मैं, ताकि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके बाद ये पूरे इसमें लगाऊंगी, इसको लई को जो लई बनाई है मैंने, ये पूरे लगा के बड़ी आसानी से आप इसको यूँ मोड़ेंगी, ठीक है, ये मुड़ गए यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो है ना थोड़ा सा और इसमें लगा दें ताकि ये खुले नहीं, तो ये आप देखें, फिर इसको मोड़ दिया, ठीक है, कितनी आसानी से बन गई। मैं काफ़ी एक और बना के आपको दिखा देती हूँ एक दो, ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, ये पट्टी देखिए, इसको मैंने ऐसे मोड़ा, ये मोड़ दिया, ये फिर उसके बाद इसको यूँ कर दिया, फिर एक और चक्कर इसको दे दिया, ये तो ये समोसे की शेप बन गई।
इसके बाद इसका जो बैटर जो भी है तो इसके अंदर डालेंगे हम। और ये कि कोशिश कर, बिल्कुल घर का सा है, बहुत मज़े का बनता है। मैं अक्सर ईद के दिन जो है ना वो बताऊँगी आपको कि मैं उसके भी बनाती हूँ कीमे के, खाली कीमे के। और लेकिन तलती कभी नहीं हूँ इन चीज़ों को ना अंदर से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तेल ऊपर से होता है, तो अगर मैं तलूंगी तो बहुत हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से यूँ किया। अब इसको जो है ना लेई जो लगानी है वो पूरा यहाँ लगानी है, ताकि ये अच्छी तरह से ये चिपक जाए, ठीक है। इसके बाद मैं ये करूँगी। आपको पता है मेरा जो चैनल है ब्लॉग सुल्ताना किचन के नाम से, और आप लोगों ने मुझे बहुत जो अप्रिशिएट किया है, और मैं तहे दिल से आपका शुक्र गुजार होती हूँ कि आप लोगों ने देख के, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं मज़ीद। और ये ज़रा जल्दी से आप लोग देख लिए, और ये रमज़ान का महीना है, आप लोग जल्दी जल्दी बनाएं इसको और अपने घर के समोसे बना के खाएं। एक और आपको बताती हूँ, ये आपके ये जो है परत है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे भी नहीं आ रहे होते, लेकिन कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा सा लेके बनाऊँ। देखिए इसको मैंने पहले यूँ मोड़ा, ठीक है। इसके बाद इस पट्टी को जो है ना फिर मैंने दोबारा इसको यूँ किया, इसके साथ मिलाया, ये मिल गया, ये सही है। फिर ये दोबारा बताती हूँ आपको, ये इधर से मोटा बता रहा है, ये पहले यूँ किया, ये देखिए ऐसे, फिर इसके बाद यूँ किया, फिर इसके बाद इसको दोबारा से यहाँ कर दिया, ये पूरा समोसे का शेप बन गया। अब इसमें डाल देती हूँ मैं ये ज़रा अंदर को, इसको चमचे से इसको अंदर करेंगे, ताकि इसका जो नीचे का जो कोना है ना, कॉर्नर, वो खाली ना रह जाए। तो कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा समोसे बनते और चिकन बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, मैंने बहुत नहीं डाली, सिर्फ एक बोटी उसको जो है मैश कर दिया और उसको वो डाली मैंने। अब देखिए किस तरह से ले लगाते हैं, ये यहाँ लगाई, ये पूरा इसको चिपका दिया, ठीक है। इसके बाद इसको पूरे को कवर करते हैं। बाद लोग किनारों को लगाते नहीं, किनारे से लगाने के बाद क्या होता है कि तेल में डालने के बाद ना फिर ये खुल जाती है, तो खुलनी नहीं चाहिए। ये देखिए ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा समय और इसमें लगा दूँगी, ताकि ये बिल्कुल, और ये ज़रा देर में इसलिए बन जाएंगी कि मैं 2-3 दिन आराम से इसको फ्रीज कर दूँगी जी। बस अब उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे जी। अब आपको जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये समोसे बिल्कुल तैयार हैं, और अब मैं इसको ऑयल में डालने वाली हूँ। उसके बाद आप देखिएगा घर के समोसे बड़े ज़बरदस्त बने हैं। और ये आप देखिए मैं डाल रही हूँ, आज देखती हूँ सही है तो सही है। हाँ सही है, ये देखिए आज जो है बहुत ज्यादा तेज नहीं है, थोड़ी हल्की है। ये समोसे बिल्कुल तैयार है, थोड़ी तरह ब्राउन हो जाते हैं तो मैं निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छा कलर इसका आया है, चूल्हे की जो आँच है वो हल्की हो जाती है, सब जगह ही होती होगी, गैस का प्रॉब्लम है। ये मैंने चार आपको तल के दिखाए, बाकी मैं बाद में तलूंगी, फिलहाल तो रोजे का थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसलिए चार तल के दिखाए। देख लिए आप इसकी शक्ल, घर के बने हुए जैसे भी हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद कीजिएगा। गुजर रमजान का महीना है, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तमाम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, बल्कि जो नहीं भी हैं और जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत सहजी की दुआ करती हूँ। और अब दुआ का वक्त आ गया है, तो मुझे थोड़ी देर लगी है, फिलहाल मैं ये बंद
बंद करती हूँ इसको, और ये मेरी वीडियो है, और इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उसके जो है आप उसके बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको कोई भी रेसिपी है ना मेरी फौरन मिल सके। और आखिर में मैं इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ, कहना चाह रहा हूँ आपके रोज़ों को कबूल करें और आपकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सुब्हानअल्लाह।